हेलो एवरीवन, वीकेंड है और राखी का भी फेस्टिवल आ रहा है, तो आदमी सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाए। तो मैंने छोले और भटूरे बनाया, जिसमें भटूरे में पनीर भटूरे बनाए और छोले में भी थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है और इसको अलग तरीके से बनाया है। चलिए आप बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम मैदे में जितना भी मैदे ले और उसमें एक कप सूजी लिया है और एक ही कप ये आटा भी मिक्स है, जिससे ये हमारा भटूरा थोड़ा क्रंची बनता है। कभी भी प्लेन मैदे से भटूरे नहीं बनाए, उन्हें थोड़ी क्रंची लाने के लिए हम करेंगे, इस डालेंगे थोड़े से। हम इसको बीच में गड्ढे करके दही डाल दिए हैं 6-7 चम्मच और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिए। इसको हम मिक्स कर लेंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालेंगे और उसको हम बीच में ही इसको मिक्स करेंगे। देखिए, इसमें हम मिक्स करने पर बबल्स आना शुरू हो जाता है। ये हमारा, इससे भटूरे बहुत जल्दी ही बन के तैयार हो जाता है, उससे हमें ज़्यादा देर तक छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए, इसका एकदम चेंज हो जाता है। अब इसको हम पूरा मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेंगे अच्छे से, और इसका डो को कम से कम 1/2 या 1 घंटे रख लेंगे। चाहे तो आप ये तुरंत भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही में मिक्स करके बनाया था। अब हम छोले के लिए, छोले और इसमें 1 कटोरी चने के दाल ऐड किया है और नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च, तेज पत्ते और तेल को ऐड कर लिया। इसको हम 15 मिनट के लिए कुकर में बॉयल कर लेंगे। इसके बाद हम एक पैन में, कढ़ाई में तेल डालेंगे थोड़े अपने छोले को छौंकने के बराबर, और जीरा, थोड़ी गरम मसाला और मिर्च ऐड करेंगे, लहसुन, अदरक भी 1-1 इंच और 8-10 कली लहसुन के करेंगे और 2-3 प्याज कट करके इसको हम ब्राउन भून लेंगे। ये हमारा गोल्डन ब्राउन ही होना चाहिए। इसमें हम गरम मसाला में सारे लौंग, इलायची, दालचीनी सारे ऐड किए हैं। इसके बाद थोड़ा इसमें मगज ऐड कर लेंगे और टमाटर को भी ऐड करेंगे और सारे को भून लेंगे। इसके बाद 1 चम्मच धनिया, हल्दी 1 चम्मच, जीरा, काली मिर्च और गरम मसाला भी, थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे और सबको हम गोल्डन ब्राउन भून लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सी में सारे को पीस डालेंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डालेंगे और तेज पत्ते को डालेंगे। चाहे तो आप थोड़ा बहुत गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर अपने पीसे हुए मसाले को 5 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए, भूनने से इसके कलर में बहुत चेंज आ जाता है और मसाला भी बढ़िया लगता है। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच दही ऐड करेंगे और साथ में मीडियम फ्लेम पर इसको हम भूनेंगे। ये थोड़ा भून जाए तो इसमें अमूल क्रीम 2 चम्मच ऐड करेंगे और इस सबको हम कम से कम 5 मिनट भून लेंगे। तो ये भूनने के बाद ये हमारा तेल कैसे छूट जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको पनीर को भी मिक्सी में ग्राइंडर करके पीस लिए थे और डाल के ऐड कर लिए और उसके बाद थोड़ा फिर हम छोले को इसमें ऐड करेंगे।
थोड़ी लास्ट में हम कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड करेंगे। इसके बाद भटूरे के लिए हम पनीर को कद्दूकस में कस लेंगे। इसमें नमक अपने अकॉर्डिंग ही डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर और काली मिर्च को हम ऐड करेंगे। इसको हम सारे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, ये हमारे भटूरे में भरने के लिए है, इसीलिए इसको हम अच्छे से कर लेंगे ताकि ये फटे नहीं हमारा भटूरे। ये डो हमारा भटूरे का आधा घंटे के बाद इस तरह तैयार हो गया। और इसके अच्छे से थोड़ी बड़ी लोई बना लेंगे। लोई को हम थोड़ी सी मोटे ही रखेंगे, बहुत पतला नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा भटूरा फट सकता है। और इसमें हम पनीर भी भरेंगे, उसको हम धीरे धीरे घुमा कर ही भरेंगे जिससे कि हमारा भटूरे फटे ना। ये मैदे होने की वजह से हमारा भटूरा धीरे धीरे ही इसको हम दबाएंगे और हल्के हाथ से ही इसको हम भटूरे के शेप में इसको बेलेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा भटूरा बनकर तैयार हुआ है। और ये धीरे धीरे बेलने से एक अच्छा सा शेप भी बन गया। इसको हम पहले तो भटूरे का तेल गरम रखेंगे और इसको धीरे धीरे नीचे से घुमाते हुए भटूरे को तलेंगे। चाहे तो आप इसका एक प्लेन भटूरे भी बना सकते हैं इसी डो का, लेकिन हमने पनीर भटूरे बनाया था इसीलिए इसमें पनीर को ऐड किया है। ये सेम ही प्रोसेस होता है भटूरे के डो का। ये देखिए कितना फुले फुले अच्छा भटूरा तैयार बन गया है। इसी तरह हम अपने सारे भटूरे को भी बना लेंगे। अब सर्व करने के लिए एक बाउल में हम छोले को लेंगे। ये हमारा छोले, और इसमें थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए तेल में लाल मिर्च को हम तड़का लगा देंगे और पनीर के छोटे छोटे क्यूब को गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे और धनिया ऊपर से डालेंगे। और ये हमारा छोले और पनीर के भटूरे तैयार है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।